फेमस कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा अब जल्द ही एक नए शो के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर नजर आने वाले हैं, लेकिन ये बात कुछ लोगों को पच नहीं रही है। इसमें एक नाम मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्टर सुनील पॉल का भी है। उन्होंने कपिल शर्मा के इस नए अपकमिंग शो पर जमकर गुस्सा भी निकाला है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। दोस्तों, द कपिल शर्मा शो जो नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, उसका प्रोमो और उसके वीडियो देख के मैं काफी निराश हो गया हूं, क्योंकि कपिल शर्मा हमारे कॉमेडी के सुपरस्टार है, किंग ऑफ कॉमेडी, द ग्रेट कपिल शर्मा, जिनको लोग घर घर में पसंद करते हैं फैमिली एंटरटेनर के नाम पर। लेकिन अब जो उनका नया शो OTT पे आ रहा है, उसमें प्रोमो की जो गंदगी मैं देख रहा हूं, गंदे शब्दों का इस्तेमाल जो मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि यहां मेरा बादशाह हार जाएगा और मैं अपने बादशाह को हारता हुआ नहीं देख सकता। कपिल महाराज, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और ये जो शुरुआत हुई है, इसको रोकना पड़ेगा आपको, नॉट ओनली मेरे लिए बल्कि हम जैसे कई सैकड़ों करोड़ों आपके जो फैंस हैं उनके लिए, क्योंकि आप रियल कॉमेडियन है, सच्चे और अच्छे कॉमेडियन है, नियत के साफ है, आपका दिल दिमाग आंखें आवाज नेचर नियत और कंटेंट बहुत साफ सुथरा है। चाहे तो आपके आर्टिस्ट होते हैं, एक स्टेज पे हंसाता है स्टेज के नीचे नहीं हंसाता, दूसरा स्टेज पे हंसाता है स्टेज पे नहीं हंसाता स्टेज के नीचे हंसाता, तीसरा स्टेज पे भी नहीं हंसाता स्टेज के नीचे भी नहीं हंसाता, और चौथा जो होता है वो स्टेज पे भी हंसाता स्टेज के नीचे भी हंसाता, वो आप इतने गुणी हो। वाकई कॉमेडी के आप एक तरह से देखा जाए तो किंग हो और एक तरह से आप कैप्टन हो, कपिल देव की तरह, कपिल शर्मा, द वन एंड ओनली कपिल शर्मा, जो अपने काम से पहुंचा है घर घर में, इसे देखता है इंडिया, कोरिया और बर्मा, और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आपको दुआ देगी हर बहन घर माँ। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो शुरुआत हुई है, ये जो कॉमेडी की जो आपके नए शो की जो प्रोमो की शुरुआत हुई है नेटफ्लिक्स पर, ये बहुत गंदे तरीके से शुरुआत हुई है और बहुत गंदे तरीके से इसे प्रमोट किया जा रहा है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कपिल महाराज, आपकी बाकी टीम से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। सुनील ग्रोवर को गंदगी से कोई मतलब नहीं, वो खुल के गंदगी कर सकते हैं, उनको प्रॉब्लम का देख चुका हूं मैं, वो गाली गलौज करते हैं। कृष्णा को गाली गलौज से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीकू ने भी प्रोमो कर ही दिया है, ठीक है, उम्मीद नहीं थी उससे, मुझे लेकिन कर दिया उसने। और बाकी तीन चार लोग तो आपको वो तो पता ही है, कॉमेडी भी क्यों दुनिया में की वो समझ में नहीं आता, ठीक है। लेकिन कपिल महाराज, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज प्लीज, आपकी दुनिया फैन है, आप ये सब मत कीजिए, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे आप आए तो गए हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स पे जो गंदे गंदे कीड़े मकोड़े गटर के जो सो कॉल्ड कॉमेडी के नाम पे आतंकवादी नेटफ्लिक्स ने पैदा किए हैं, वो भी इसमें आ जाएंगे। एक दो उसमें दिख भी रहे आजू बाजू में, इनकी औकात नहीं है आपके आजू बाजू में खड़े रहने की। आप उनके साथ खड़े रहेंगे तो मतलब आप यहां आइए, कीड़े मकोड़े गटर के अंदर है तो नो बराबर है आपकी। प्लीज आप शो में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पर्सनल ध्यान दीजिए, आप मालिक हैं, आप हेड है, आप उनको बोलिए भैया होंगे आप अपने घर के, मेरे प्रोग्राम में गाली गलौज नहीं होगा, मेरे प्रोग्राम में गंदगी नहीं होगी, मेरे प्रोग्राम के मेरे फैन जो है वो फैमिली ओरिएंटेड फैन है, परिवार के लोग फैन है, वो सब देखेंगे, तो उनके लिए आप अच्छी कॉमेडी जैसे आप करते आए 10-15 साल से, आप नंबर वन पर, हमेशा नंबर वन पर रहिए, भगवान से प्रार्थना है, प्लीज आप ये सब कीड़े मकोड़ों से दूर रहिए। जितने ये जो नेटफ्लिक्स के जो गंदे नाली के कीड़े हैं, जो वायरस होते, जो वायरल ये है, वो मतलब मैं समझता हूँ कि इनका जीवन में ना कभी कुछ हुआ है, ये नंगे थे, नंगे हैं और नंगे ही मरेंगे, इनसे आप दूर रहिए। और 90% आपके OTT के जो नेटफ्लिक्स के जो 90% जो कलाकार क्रिएटिव वो सबके सब पौन कोठा खोल के बैठे हुए 90% लोग, तो इनके चक्कर में मत पड़िए प्लीज। आपको पूरे परिवार के लोग प्यार करते हैं, कपिल शर्मा कॉमेडी को बचाइए, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज कपिल शर्मा को बचा लीजिए।
ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।